पिछली वीडियो में मैंने शिलोंग की लोकल प्लेसेस कवर की थी। इस वीडियो में मैं आपको मलिरनोंग विलेज, बांग्लादेश बॉर्डर, डॉकी रिवर और मार्केट्स के साथ शिलोंग टूर बजट और टूर प्लान बताऊंगा। तो गाइस, आज मैं जो ट्रिप कर रहा हूँ वो एमटीडीसी की बस के थ्रू कर रहा हूँ और इसी से मैं जाऊँगा मलिरनोंग। अजीब सा नाम है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मलिरनोंग और डॉकी का टूर कर रहा हूँ और पूरे डे का ये ट्रिप होगा और 500 रुपीज़ इसके लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑफिस से एमटीडीसी के टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से सारी बुकिंग होती है, उसी के थ्रू मैं करवाया हूँ और आज ट्रिप ये करूँगा। आज बस से सबसे पहले मैं मौजनगी व्यू पॉइंट या कैनियन व्यू पॉइंट गया। ये जो व्यू पॉइंट है ये है कैनियन वैली और नीचे यहाँ पे आपको विलेज वगैरह का लुक भी दिख जाएगा और बाकी माउंटेन्स वगैरह का लुक तो दिखेगा ही, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू आपको मिल जाएगा। इसके बाद लिविंग रूट ब्रिज के लिए गया, जहाँ जाने का रास्ता काफ़ी पतला है और रोड थोड़ी खराब भी है। अब मैं आ चुका हूँ लिविंग रूट ब्रिज पे और जा रहा हूँ उधर ही देखने के लिए। काफ़ी ये अंदर है, मतलब बांग्लादेश बॉर्डर के पास पहुँच चुका हूँ और अभी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज का एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है और इस ब्रिज को देखने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। मेरे बैक साइड में जो आप जो ब्रिज देख रहे हैं ये है लिविंग रूट ब्रिज और ये मोर देन 100 ईयर्स से भी ज़्यादा कह सकते हैं पुराना है और 30 मीटर्स लंबा है और ये यहाँ की मेघालय की बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अब जब भी गूगल की में पिक्चर मेघालय या फिर शिलोंग की आप डालेंगे तो इसकी पिक्चर तो आपको देखने को मिलेगी ही। तो लिविंग रूट ब्रिज आप कह सकते हैं मेघालय की सबसे पॉपुलर प्लेस है और आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। मैं अभी लिविंग रूट ब्रिज पे हूँ और मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर व्यूअर मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविरुद्ध मंडल है। अच्छा, और मैं कोलकाता से। हाँ, कोलकाता से। मैं बंगाली हूँ और मुझे इनका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ और आप लोग भी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, मुझे कोई मिलता है यहाँ पे या कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे बहुत अच्छा लगता है। सो शी इज़ आवर गाइड। व्हाट इज़ योर नेम? Sorry? Neba. So tell me about something about this bridge. Yeah, to make this new bridge, you have to tie it first. Okay. Yes, you have to tie it and then save it by that Ficus lacica. It's an Indian rubber tree. Okay. And they were planted this route around the year 1840. 1840? Yeah. I think it's more than 150 years. Yes. Oh, you can use it nearly 200. Okay. And thank you. You have, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसको कुछ मंथ पहले इसको थोड़ा सा बनाया भी गया है, स्टेबलिश भी किया गया है, थोड़ा सा झूल गया था कह सकते हैं, बट अभी भी स्टेबलिश है और काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है। काफ़ी लोग इसी से जो भी क्रॉसिंग होती है इसी से होती है। तो इतना पुराना ब्रिज और इस पर चलना बहुत बड़ी बात है कि अभी तक ये ज़िंदा है, इसीलिए लिविंग रूट ऑफ ब्रिज नाम है इसका। मैं हूँ मलिरनोंग में और एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड इसे मिला था 2003 में और इसे गॉड्स ओन गार्डन भी बोलते हैं। तो देखते हैं कितना क्लीन है ये। 2003 में अवार्ड दिया गया था, 2019 में डिज़र्व करता है या नहीं। मलिरनोंग विलेज में आप यहाँ पे ट्री हाउस भी देख सकते हैं। आज संडे है तो क्लोज है, बट यहाँ से आप ट्री हाउस का भी नज़ारा देख सकते हैं। कैसा होता है ट्री हाउस, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। इस विलेज के हर घर में आपको फ्लावर्स, छोटे गार्डन और साफ़ सफाई दिखेगी। साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर डस्टबिन भी दिखेगा और टॉयलेट्स भी यहाँ पर हैं।
मोलिनोंग विलेज में छोटा सा चर्च भी है। यहाँ पर टोटल 100 हाउसेज ही हैं, बहुत ज़्यादा हाउस नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है। और यहाँ पर आपको टाइम भी मिलता है घूमने के लिए, बस से आते हैं तो लगभग एक घंटे का टाइम है, लंच ब्रेक भी यहीं पे होता है। तो ये जगह तो बहुत ही अच्छी मुझे लग रही है, विलेज टूर भी हो जा रहा है और अलग टाइप का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। व्हाट इज़ योर एज? एज उम्र कितने साल के हो आप? 10 हाँ 10 ईयर के हो आप? 10 ईयर ओनली। ग्रेट, यहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती है, अब 10 ईयर बोल रहे हैं। हाय, से हाय, व्हाट इज योर नेम? इडाबुरम। इडाबुरम, इडाबुरम नाम है इनका। हाजी नेम? हासी। एंड योर नेम? जेसिका। जेसिका। क्रिश्चियन? और गुड। ओ, ईटिंग ब्रेकफास्ट? ओ, चने खा रही है बिटिया। दाल। इट्स दाल। इट्स मिक्स चटनी। चटनी और नहीं नहीं ये अचार। अच्छा, और इसको चटनी। चटनी वेज? यस टोटली वेज। रोटी आप लोग नहीं बनाते? रोटी नहीं आता है? नहीं बनाने रोटी आता? नहीं बनाने आदत नहीं? आदत नहीं? आदत नहीं मतलब कभी बनाया कि नहीं? नहीं 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 कभी नहीं बनाया। अच्छा, चावल लिया हम लोग बनाने 10,000 जैसा होता है, 5,000 जैसा होता है। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं आता। राइस खाते हैं आप लोग? यहाँ पर राइस ही आपको मिलेगा, रोटी वगैरह के लिए अगर आ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। तो ये है 100 रुपीज़ की टोटल थाली है, और इसमें 3 सब्जी मुझे मिली है, गोभी की है। तो ये किसकी है? मिक्स है? मिक्स अचार। अचार सब्जी ही है बट हम लोग सब्जी बोलते हैं। एंड बीन्स वगैरह की सब्जी, बीन्स आलू है, राइस है, दाल है, थोड़ा सा सैलड है और चटनी है। खा के मैं बताता हूँ कैसा है। सब्जी बहुत ही अच्छी है, स्पाइसी भी है, थोड़ी सी टेस्टी लगेगी। और चटनी भी मैंने अभी थोड़ा पहले खाया है, काफ़ी स्पाइसी लगी है ये भी। मज़ेदार है। कौन बनाया है ये? हाँ अंकल। अंकल कहाँ है आपके? अच्छा, आप ही ने बनाया है? बहुत टेस्टी बनाया है। थैंक यू सो मच। आप पेड़ पे क्यों चढ़े हो? Why are you staying here? Oh. What is your name? Name? Chani Amti Bha. Chani Amti Bha. Chani Amti Bha. एशिया का तो नहीं पता क्योंकि मैं एशिया पूरा तो घूमा नहीं हूँ, बट जहाँ तक मैंने अभी तक जितने भी विलेज देखे हैं वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। 2019 में भी यहाँ पर भी आप ज़रूर आएँ, सच में ये प्लेस दिल को छू जाएगी आपको। मोलिनोंग विलेज के बाद बांग्लादेश बॉर्डर के लिए निकले। मैं आ चुका हूँ इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, और ये बॉर्डर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आगे जाने का अलाउ है, देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। बॉर्डर पे आने पे एक अलग ही फीलिंग लगती है, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ तो घूमा हूँ बट फिर भी बॉर्डर पे अगर आप आते हो तो अलग ही फील होता है। अंदर तो मैं जा रहा हूँ, हालांकि ये बॉर्डर नहीं है, ये चेक पोस्ट है, इसके आगे से बॉर्डर आप देख सकते हैं। बेसिकली अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से बांग्लादेश का ये बॉर्डर, और कार वगैरह वहाँ पर दिख रही है, बांग्ला लैंग्वेज में लिखा हुआ है कार का नंबर वगैरह, और कस्टम के यहाँ पे बैठे हुए हैं जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं बांग्लादेश के, अपने साइड वाले उधर बैठे हुए हैं। तो ये बीच में अभी घूम रहा हूँ मैं, कुछ लोग पासपोर्ट वगैरह लेके क्लियरेंस करा के यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, ये भी तरीका है जाने का अगर आप सस्ते में बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो। आर यू फ्रॉम बांग्लादेश? नाइस टू मीट यू। ये हमारे बांग्लादेश के सिटीज़न हैं। क्या नाम है आपका? शामिम। तो आप यहाँ आए थे, इंडिया आए थे अभी, घूम लिया, कैसा लगा? फुटबॉल। थैंक यू। गोल्डन है? गोल्डन है। जगह देखो बांग्लादेश में, इंडिया बांग्लादेश। तो डॉकी रिवर में अब मैं जा रहा हूँ बोटिंग के लिए, और इसके मैंने दिए हैं 700 रुपीज़,
फोर पीपल के वैसे लगते हैं, मैंने तीन लोग तो मिल गए हैं तो हो जा रहा है, मैनेज हो जा रहा है, शेयरिंग में हो जा रहा है, बट तीन ही लोग हैं, एक लोग और मिल जाते, चार लोग इसका मैक्सिमम बैठ सकते हैं एक बोट पर। डॉकी रिवर अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए मशहूर है। मेघालय की जब आप क्रिस्टल क्लियर वाटर को गूगल वगैरह पर सर्च करते होगे तो आपको यही जगह की दिखाई देती है। अभी बहुत ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ इसमें, आपको शायद इसमें दिखे या ना दिखे कैमरे में, बट मुझे दिख पा रहा है, क्लियर वाटर है, क्रिस्टल क्लियर अगर बोलूँगा अभी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, बट क्लियर है। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं ये है बांग्लादेश का बॉर्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट क्रॉस द बॉर्डर इट्स इंडिया। तो अभी मैं इंडिया में हूँ बट यहाँ पे अगर कदम आप रख लेते हैं मैं अभी बांग्लादेश में आ गया हूँ। तो बगल में ही बांग्लादेश है, आप जा सकते हैं बट वीज़ा वगैरह होना चाहिए, यहाँ पे मिलिट्री वगैरह लगी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ की डॉकी रिवर में उधर के भी टूरिस्ट हैं, उधर भी बोटिंग कर रहे हैं बांग्लादेश के और इधर अपने इंडियन टूरिस्ट हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो वाटर की बात की जाए तो क्रिस्टल क्लियर वाटर तब दिखता है जब डायरेक्टली धूप पड़ती है आपके यहाँ पे रिवर पे, तब क्रिस्टल क्लियर वाटर पड़ेगा दिखेगा आपको। और अगर आप इस टाइम आते हैं तो नहीं दिखेगा, और अगर आप बस से टूर कर रहे हैं तो इसी टाइम आएंगे। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप आएँ, किस टाइम आप आएँ, दिन के टाइम में, और कार वगैरह बुक करके आएँ, आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, बस में आपको कम्फर्ट भी कम मिलेगा और अगर चार लोग हैं तो आपका शेयरिंग में भी उतना ही खर्चा आएगा जितना बस में आएगा। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप कार से आएँ यहाँ पर। तो हमारे साथ कुछ को ट्रैवलर्स जो कि बस में थे वो भी हैं। नाम क्या है आपका, कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश बेसिकली, होम टाउन एमपी में है और शिलोंग में रहते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस अभी ओवरऑल रहा है? बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा यहाँ पे एकदम, मौसम का जो आनंद है बहुत ही अच्छा है। अच्छा, और कहीं इसके अलावा प्लेसेस घूमे? इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर तो है ही नहीं आपका, और नहीं कोई और सिटी वगैरह? शिलोंग घूम रहे हैं आजकल, चेरापूंजी भी गए, बहुत मज़ेदार लगा। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, मज़ा आपको बहुत आएगा, बस ये है प्लान करिए और निकल पड़िए टूर के लिए। What is your name? आप लोग ये फ्रॉग बोलते हैं तो यहाँ के लोकल लैंग्वेज। आप देख सकते हैं यहाँ का जो लोकल जो पहनावा है इसको, यहाँ पे इसको फ्रॉग बोलते हैं, बट हम लोग की तरफ फ्रॉग तो कुछ और ही होता है। अभी मैं आया हुआ हूँ बड़ा बाजार में और यहाँ की ये लोकल मार्केट आप कह सकते हैं, और आप भी आ सकते हैं। तो मेरे साथ हैं भूपेन जी, मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर। और कितनी हाइट है आपकी? 5'11" 5'11" 6 लग रहे हो भाई। तो बेसिकली स्टडी करते हैं यहाँ पर, और इन्हीं के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ की मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे मैसेज किया था तो मैं मिलने आया हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं इनके थ्रू, घूमने फिरने में आसानी हो रही है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कौन कौन सी मेन मार्केट है, और आपको भी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ की मार्केट्स वगैरह कैसी हैं। कितनी गलियाँ हैं इधर? भूल भुलैया लग रहा है ये तो। यहाँ पे काफ़ी सारी गलियाँ हैं और हर गली में एकदम पूरी मार्केट भरी पड़ी है। ये क्या है? पान क्वाई बोलते हैं ना, क्वाई यहाँ पे बोलते हैं, इसको खाइएगा ज़रूर, यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग खाते हैं, लड़के लड़कियाँ सब खाते हैं। 50 का है यहाँ पर, आप देख रहे हो यहाँ पे 50 में मिल रहा है, और पुलिस बाज़ार में अगर आप जाते हैं तो 100 रुपीज़ में एक दर्जन मिलेगा। ये पूरा जो एरिया है बड़ा बाज़ार का, नो प्लास्टिक जोन है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो प्लास्टिक जोन, तो यहाँ पे आप मांग नहीं सकते हैं प्लास्टिक वगैरह, वैसे भी बैन हो गई है। सुपारी ये आप यहाँ का देख सकते हैं, सुपारी है, और काफ़ी बड़ी मार्केट है इसी चीज़ की। यहाँ पे काफ़ी पान वगैरह की दुकानें भी हैं, पान की शॉप भी है, छोटी छोटी मतलब थोक वाली, रिटेलर वाली, सब तरह की मिलेगी आपको, और काफ़ी पॉपुलर आप देख रहे होंगे कितना सारा यहाँ पे सुपारी वगैरह ये मिल रहा है। यहाँ का सुपारी डिफरेंट है, हम लोग की तरफ तो थोड़ा डिफरेंट ही होता है। ये मच्छी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मच्छियाँ पड़ी हुई हैं छोटी छोटी, ये ड्राई फिश है, ड्राई फिश, ड्राई फूड का काम करती है क्या? फिश, मैं यहाँ पे ये शर्ट ले रहा हूँ, और
इसका जो रेट बताया था मुझे 800 रुपीस बताया था और 350 में ले रहा हूँ मैं। तो आप सोच सकते हो बार्गेनिंग यहाँ कितनी आप करा सकते हो। और शर्ट्स वगैरह सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कौन सा मार्केट है ये, नाम मालूम है? बड़ा बाजार। बड़ा बाजार के आसपास में आपको मिल जाएगी, काफ़ी बड़ी मार्केट है यार। बड़ी हो रही है यार, यार ठीक है, बड़की है, बड़की है का। बड़ी हो छोटी आप बता देना भाई। शिलोंग की राजधानी है तो यहाँ पर मॉल्स वगैरह भी है और ये मारवा हब है। यहाँ का जो सेंटर पॉइंट जो पड़ता है वही का ये मॉल है। यहाँ पर रिलायंस ट्रेंड्स हैं, कई सारी थोड़ी बहुत खाने पीने की भी शॉप है और बहुत बड़ा मॉल तो नहीं है, छोटा सा है। KFC वगैरह भी यहीं पर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट वगैरह और कुछ बड़े बड़े शोरूम्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको लगेगा आप कोई छोटी से हिल स्टेशन पे आए हैं, शिलोंग राजधानी है और यहाँ पर आपको सारी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। पुलिस बाजार में ही AC लेन में आगे है रानी सती जी का मंदिर और ये भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही शांत प्लेस है। पुलिस बाजार की भीड़ भाड़ से आप आगे थोड़ी देर यहाँ पे बैठ सकते हैं भगवान के चरणों में। अब बस में जा रहे हैं, यहाँ की लोकल बस की भी ट्रैवल कर लेते हैं। लाई मुखरा के लिए जा रहे थे पर ये बस नहीं जाएगी, दूसरी बस जाएगी, देखता हूँ कौन सी। यहाँ के बस की मिनिमम टिकट 10 रुपए की है। भूपेन अभी मेरे को ले जा रहा है लाई मुखरा के लिए और बताया है कि वहीं पे फेमस मोमोज वगैरह मिलेंगे, तो चल रहे हैं वहीं पर बाइक बस। मोमोज लेने हम लोग आए थे, भूपेन के साथ में आया था, बट यहाँ पे मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेज मोमोज तो मिले नहीं, चिकन मोमोज मिल रहे हैं। मेरे चक्कर में ये बेचारा भी नहीं खा पा रहा है, बट देखते हैं आगे और कोई प्लेस मिल जाती है तो। लाई मुखरा में बीट हाउस के पास मेरे को ये मोमोज मिल गए हैं, वेज भी मिल गया है। टेस्ट अब कैसे बताऊँ आपको, यहाँ रखना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, एक मिनट कैमरा पकड़ लूँ भाई, बस ऐसे ठीक है। जैसा होता है वेज मोमोज वैसा ही है, स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है, बट ठीक है आ सकते हैं। लाई मुखरा शिलोंग का सबसे पुराना मार्केट है और यहाँ पर आप सस्ती शॉपिंग भी कर सकते हैं और आपको सस्ते फूड्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो शिलोंग सीरीज़ के दोनों पार्ट में मैंने काफ़ी सारी प्लेसेस आपको दिखा दी है, कितनी सारी शिलोंग के आसपास में प्लेसेस हैं। इसके अलावा भी मॉन्शन राम भी है जो मैंने नहीं कवर किया है, तो उसको भी आप अपने टूर प्लान में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ चेरापूंजी ऐड कर सकते हैं, हालांकि वो 2 दिन की प्लेस है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन डे ट्रिप भी होती है शिलोंग से, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओवरऑल 5 दिन का यहाँ पे टूर प्लान बन सकता है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे घूम सकते हैं। शिलोंग से अगर आपको 5 दिन में कवर करना है तो शिलोंग से आप कवर कर सकते हैं। डेली ट्रिप हर जगह की होती है, मॉन्शन राम की होती है, चेरापूंजी की होती है और डॉकी बॉर्डर और मॉलिनोंग विलेज, इसकी ये सब की डे ट्रिप होती है और बाकी लोकल साइट सीन और मार्केट। तो टोटल 5 दिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे टूर प्लान बना सकते हैं। अब बजट क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक हाई बजट बताऊँगा उसके बाद लो बजट भी बता दूंगा। तो होटल का जो आपका खर्चा यहाँ पे आने वाला है वो लगभग 1500 रुपीज़ पर डे 2 एडल्ट्स का खर्चा आएगा। इसके अलावा मील्स का जो खर्चा आएगा 500 रुपीज़ का खर्चा आएगा आपका पर डे का, पर पर्सन का। और कन्वेंस का खर्चा जो आपका आने वाला है वो 6000 रुपीज़ मैं कंसीडर कर रहा हूँ कितना आएगा, और थोड़ा बढ़ भी सकता है अगर चेरापूंजी वगैरह ऐड करते हैं तो, बट 6000 में मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप 2 लोग कम से कम कार में बैठेंगे। और साथ ही साथ आपका जो खर्चा होगा इसमें मॉलिनोंग विलेज का खर्चा होगा प्लस आपका जो आप मॉन्शन राम या फिर चेरापूंजी कोई एक इसमें ऑप्शनल कर सकते हैं और लोकल साइट कर सकते हैं, तो 6000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब पर पर्सन खर्चा क्या आ जाता है वो मैं बता देता हूँ, जो हाई बजट है आपका पर पर्सन खर्चा जो आपका आ सकता है वो है होटल का आपका आएगा 3750 रुपीज़, मील्स का आपका 2500 रुपीज़
और कन्वेंस का आपका आएगा 3000 रुपीज़ अगर कार में दो लोग बैठते हैं, अगर चार लोग बैठते हैं तो यही 1500 रुपीज़ का पड़ेगा। तो टोटल इसका करेंगे तो 9250 रुपीज़ का खर्चा आएगा। अब इसमें अगर कुछ आप कम करना चाहते हैं, अगर आप बस से ये ट्रिप करना चाहते हैं तो आपका 1500 रुपीज़ और कम हो जाएगा, तो लगभग वो आ सकता है आपका 7750 रुपीज़ का खर्चा आ जाएगा। पर अगर 1500 लग रहे हैं एक्स्ट्रा तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भाई कार ही जाए, ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, ये तो आपका पूरा हाई बजट हो गया। अब लो बजट में क्या हो सकता है, स्टूडेंट वगैरह के लिए क्या बजट हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारी डॉर्मेटरी वगैरह के लिए अवेलेबिलिटी होती है, तो 300 से 500 रुपए में भी आपको वहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, डॉर्मेटरी मिल जाएगी और कुछ कुछ तो होटल्स भी आपको मिल सकते हैं 500 रुपीज़ में सिंगल बेड वगैरह का। तो और ऑफ सीज़न वगैरह में जाएंगे तो ये हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका जो सेकंड खर्चा मील्स वगैरह का है 250 रुपीज़, आप थोड़ा स्ट्रीट फूड और छोटे ढाबा वगैरह में खा सकते हैं, 250 रुपीज़ पर डे का खर्चा आएगा। 3 दिन का मैं कंसीडर कर रहा हूँ टूर प्लान स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। और बाकी कन्वेंस का 1500 रुपीज़ मैं टोटल कंसीडर कर रहा हूँ, तो ओवरऑल करेंगे तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 4000 रुपीज़ में आप यहाँ पे घूम सकते हैं आराम से, क्योंकि होटल वगैरह के आप अगर 1500 भी दे देते हो, 1200 रुपये भी दे देते हो, उसके बाद भी आप 1500 और बच रहे हैं, 3000 रुपये हो रहा है और बाकी खाने पीने का 1000 रुपये, तो टोटल कर लेंगे तो लगभग 4000 रुपये में स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो वो घूम सकते हैं। और जो होटल की लोकेशन होनी चाहिए, चाहे रेस्टोरेंट की लोकेशन होनी चाहिए, चाहे टैक्सी वगैरह की लोकेशन जहाँ पे आपको मिल सकती है, वो है पुलिस बाज़ार। सारी अवेलेबिलिटी पुलिस बाज़ार में आपको हो जाएगी, तो होटल कोशिश करें पुलिस बाज़ार के आसपास में ही लें। थोड़ा दूर भी लेंगे, सिविल साइड भी आप ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको पैदल आ सकते हैं या बसेज वगैरह लोकल आती हैं उनसे भी आप घूम सकते हैं। बसेज बहुत अवेलेबिलिटी है, हर जगह है वहाँ के लिए। छोटी छोटी जो लोकल जाती है चेरापूंजी की, 80-80 रुपये में शेयरिंग में जाती है जीप, तो ये भी अवेलेबिलिटी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बजट चूज़ करते हैं। तो कोई क्वेश्चन और क्वेरी इसके बाद भी हो तो ज़रूर पूछ लें। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, और इंस्टा पे और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।